कभी किसी के यहाँ अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी? कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो, यही ना? अवश्य। कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है या उसके मन में कोई खोट है, कहीं वो धूर्त तो नहीं? क्योंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक प्रश्न उठता है कि धूर्त को पहचाने कैसे? कभी सर्प को देखा है? उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है। और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना? उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम्। क्या हुआ मामा श्री? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या पांडवों ने द्वित का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया? नहीं दुशासन, पांडवों ने तो द्यूत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, परंतु क्या मामा श्री? परंतु समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भाई का परम मित्र कर्ण, इसे कैसे वश में करूं? जानते हो दुशासन, वो विदुर से पहले इंद्रप्रस्थ पहुंच गया। उस युधिष्ठिर को यह समझाने कि वो द्यूत का निमंत्रण अस्वीकार कर ले। पांडवों की एक ढाल कृष्ण को शल्य के साथ युद्ध में फंसा दिया है मैंने, परंतु इस कर्ण का क्या करूं जो हमारे ही विरुद्ध शस्त्र बनकर खड़ा हो गया है? जैसे बात करता हूं वही समझाएंगे उस सूत पुत्र को। नहीं दुशासन, नहीं, ना। दुर्योधन ने यदि कर्ण से बात की तो वो रुकेगा नहीं, उल्टा उसे यह संदेह हो जाएगा कि हम द्यूत क्रीड़ा में कुछ करने वाले हैं, तो फिर से हमारे मार्ग में वो कांटा बनकर खड़ा हो जाएगा। तो आप ही बताइए मामा श्री, क्या किया जाए? मैं कुछ कर सकता हूं? अवश्य दुशासन, तुम जाओ और पांडवों के सम्मान और सत्कार की तैयारी करो। हमारे प्रिय पांडव हस्तिनापुर पधार रहे हैं। अब उस कर्ण नामक कांटे की औषधि अब मुझे ही ढूंढनी होगी।
विचित्र बात है। हमने खांडव प्रस्थ के सारे सर्पों को तो मार डाला है, या तो उन्हें स्थान छोड़ने पे विवश कर दिया, फिर न जाने कहां से आते हैं और हम पर आक्रमण करते हैं। कोई बात नहीं भ्राता भीम, ये जब भी हम पर प्रहार करेंगे नाश पाएंगे। चलिए प्रस्थान का मुहूर्त हो चला है। क्या हुआ पांचाली, अब तो सब कुशल है? नहीं आ रहे अर्जुन, कुछ भी कुशल नहीं। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व सर्प हत्या बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर की यात्रा टाल देनी चाहिए। जब तक हम पांच तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पांचाली। सब शुभ होगा। व्यू रचा जा चुका है सर, हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। चले प्रस्थान करें। यदि कर्ण की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई तो मैं जा रही हूं कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार एक सहयात्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी। साक्षी रखकर वचन दो कर्ण कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। इस बार कुछ मत मांगना। मैंने जब भी कुछ मांगा है कर्ण, हमेशा तुम्हारा कुशल मंगल ही मांगा है, और इसी कुशल मंगल के लिए मैं प्रतिदिन सवेरे छुपकर तुम्हें आर्द्र देते देखती थी। और संतुष्ट होकर लौट जाती थी कि आज भी तुम्हारे मुख पर वही तेज है और आंखों में वही परिवर्तन की चाह।
तो आज क्यों आई? क्योंकि आज तुम्हारा मुख मलिन है कर्ण, और आंखों में चिंता। ऐसा क्या अंतर्द बंधु है जो तुम्हें सता रहा है? मेरा प्रिय दुशासन, आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दे आए, और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा, और फिर दो दो हाथ पास हो के पांडव द्यूत क्रीड़ा के लिए आने वाले हैं, और मुझे संदेह है कि शकुनी को छल करने वाला है। मामा श्री, पांडव कुछ ही समय में हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छे दुशासन, बहुत अच्छे। कदाचित तुम नहीं जानते कि मैंने इस क्षण की कितनी प्रतीक्षा की है। परंतु मामा श्री, वो सूत पुत्र यदि द्वित क्रीड़ा में उपस्थित हुआ तो? ना, वो सूत पुत्र कर्ण द्वित क्रीड़ा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। ना कि उसे रोकने की व्यवस्था मैंने कर दी। कैसा छल? जैसा वारणाव्रत में हुआ था। यद्यपि यहां महामहिम और आचार्य द्रोण उपस्थित होंगे, शकुनी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ कर्ण? ऐसा लगा कि कोई है। जो तुम्हारा लक्ष्य है, परिवर्तन। और परिवर्तन छल कपट से नहीं होता कर्ण, सत्य और साहस से होता है। और कभी कभी इसका प्रारंभ अपनों से, अपने मित्रों से भी होता है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र कोई अनुचित कार्य कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म है उसे रोकना, क्योंकि यही परिवर्तन की मांग है। सूर्य चढ़ चुका है कर्ण, और आज का उगता हुआ ये सूर्य तुम पर ऐसा ग्रहण लगाएगा कि तुम यहां आना तो दो, यहां आने की सोच भी नहीं सकते। आओ। क्या हुआ? वो पुष्प देखो कर्ण, देखो उसे। जिस भांति ये कांटों के बीच रहकर भी सुगंध देते हैं, उसी भांति तुम्हें बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी
सत्य की सुगंध फैलानी है, प्रयास करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो रोशन। तो अब तुम क्या करो? वही जो तुमने कहा, प्रयास। लगता है पांडवों का आगमन हो चुका है। हस्तिनापुर के द्वार पर उठा यह नाद इसका संकेत है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने जाना होगा रोशाली। धन्यवाद रोशाली, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। कुछ बातें और कुछ नाते कभी नहीं बदलते। पर कुछ बदल जाते हैं कर्ण। चलिए आके खोलो, क्या हुआ? सही समय और सही मुहूर्त मेरे होने वाले सम्राट। मेरे पास पासे और इस पांचाली के पास कोई ढाल नहीं। तुम्हारे वस्त्र हरण के मध्य कर्ण नामक केवल
एक ही बाधा शेष थी, उसे भी मैंने दूर कर दिया है पांचाली। स्वागत है तुम सबका। मेरी परीक्षा ले रही है, क्या तुम और वहां पांडव? अगर मैं इस परीक्षा में खरा उतरूंगा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.